दिल्ली का नौवां बजट। वित्त मंत्री कैलाश बोले, 8 साल में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क दोगुना हुआ। 28 फ्लाईओवर बने, बिचौलिया राज खत्म। दिल्ली सरकार बुधवार को दिल्ली विधानसभा में राज्य का नौवां बजट पेश कर रही है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी थी। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया बजट पेश करते तो ज्यादा खुशी होती। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तब भरत ने सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रख कर राज किया था, वैसे ही मैं काम करूंगा। अगला बजट मनीष सिसोदिया ही पेश करेंगे। गहलोत ने कहा कि आप सरकार ने 8 साल में दिल्ली का चेहरा बदला है। इस दौरान 28 फ्लाईओवर बनाए हैं और बिचौलिया राज खत्म किया है। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क दोगुना किया है। सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर दिल्ली का बजट रोकने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने रिप्लाई नहीं किया था, इसलिए बजट अप्रूव नहीं हो सका था। इधर केंद्र से मंजूरी मिलते ही अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में चर्चा के दौरान केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बजट पर केंद्र की आपत्ति असंवैधानिक और निराधार है। देश के 75 साल के इतिहास में किसी भी सरकार का बजट नहीं रोका गया। हमने मंगलवार को बजट उनकी आपत्तियों को बिना बदलाव के भेजा और उन्होंने इसे मंजूरी दे दी। इतना अहंकार ठीक नहीं है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।